मतलब कि जगह का जो नाम है वो नाम क्या है? भेड़ा लिखुई मशहूर। हाँ नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं सुंदरलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राम व्लॉग। तो एक बार फिर से अपने चैनल पर सब दोस्तों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम गए हुए हैं डेजर्ट के इलाके में, तो हम आपको दिखाएंगे डेजर्ट का इलाका और वहां के रहने वाले लोगों से भी गपशप करेंगे। तो दिखाएंगे हम कि वहाँ के रहने वाले लोग किस तरह रहते हैं, किस तरह उनका रहन सहन है। तो हम वहाँ के लोगों से गपशप भी करेंगे, उनको उनसे ये भी पूछेंगे कि यहाँ पे आपके किस तरह रहते हैं, किस तरह है, मतलब आपका गुजर बसर होता है। तो हम ये आप सबको दिखाएंगे वीडियो में। तो हम एक भाई से मिले हैं, जिस भाई का नाम तो हम पूछेंगे अभी। भाई, क्या हाल है? ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक हो? ठीक ठाक भाई। आपका नाम क्या है? अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक जी, आप यहीं के रहने वाले जी? ये ज़मीन जो है, मतलब कि ये अपनी है या कि सरकार की है? सरकार की है जी, फिलहाल तो बैठे से कानूनी कटे स्कूल बड़े। अच्छा, अगर उठा भी छुड़े से माड़े बंदे से बेदली दवाई बास मतलब डिब्बे नहीं था कोई परेशानी। मतलब कि इस जगह का जो नाम है वो नाम क्या है? भेड़ा लिखुई मशहूर है। ये देखे फ्रेंड्स, इन्होंने खेप रखी, ये खेप है ना? हाँ, खेप। ये है खेप, खेप जी, खेप रखी हुई है इन्होंने। तो ये देखे, ये इनका कमरा है, खेप से तैयार किया। ये देखे फ्रेंड्स, ये अंदर का माहौल। ये इन्होंने वो देसी, जैसे कहते हैं ना, देसी जुगाड़ से इन्होंने विंडो तैयार की गई है ताकि ये हवा क्रॉस होती रहे। तो ये देसी जुगाड़ से इन्होंने विंडो तैयार की है, रोशनदान भी लगाए हुए हैं। तो ये है इनके ऊपर की छत, जो कि लकड़ियों से तैयार की गई है और खीप से तैयार की गई है। Oh, oh, oh.
हम दिखाएंगे तंदूर भी आपको। तो ये देखें फ्रेंड्स, इन पे ये रोटी बनाते हैं और खाते हैं। बहन कुछ बना रही थी तो ये देखें, देखें ये मिट्टी से, ये भी मिट्टी से तैयार किया है, तो इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। तो आप पानी कहाँ से लेकर आते हो? नल के घर में है या कहीं दूर? नहीं, नहीं, ठीक ठीक। आपको मतलब किस चीज़ की ज़रूरत है? अगर आप क्या कहेंगे आप सरकार को या किसी बंदे को क्या कहेंगे कि हमें किस चीज़ की? अल्लाह पाक का शुक्र है, त्रै टाइम दी रोटी मिले तो शुक्र करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये था मारे नवाब सादिक मंद मार गया, क्या चाहेंगे क्या चाहेंगे? बिल्कुल, मतलब जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो फ्रेंड्स ये देखें, मैंने आपको साहब इनका घर विजिट करवाया कि किस तरह आवाम रहती हैं, किस तरह इनका गुजर बसर होता है। तो आपका कारोबार क्या क्या कर दें आप? दिहाड़ी मेहनत मजदूरी, मकसद मिस्त्री। कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ रहते हुए? मतलब के जो आपके अब्बा जी थे वो भी यहीं के रहने वाले? आपके दादा वो भी इधर के? अच्छा, मतलब के तो आप बहुत पुराने इधर रहने वाले? तकरीबन 200-300 साल होगा। ऐसे ही 100-150 साल हो गए। मतलब कि देखिए फ्रेंड्स, इनके अब्बू और इनके दादा अब्बू और उनके भी अब्बू वो भी यहीं के रहने वाले थे। तो इन्होंने इतनी ज़िंदगी गुजार दी है मतलब कि डेजर्ट के इलाके में, अभी भी ये डेजर्ट के इलाके में रहते हैं, पुरसकून रहते हैं। तो मैंने आपको माहौल दिखाया, ये देखें साइड का माहौल, कोई यहाँ बीमारी वगैरह नहीं, ताज़ी हवा खाते हैं ये लोग, ताज़ा पानी पीते हैं। ये डेजर्ट का इलाका है, तो ये साइड का माहौल है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे कोई बीमारी वगैरह नहीं है, अमन सुकून से रहते हैं। ऐसे ही ना? ठीक ठीक। तो फ्रेंड्स ये देखें, मैंने आपको दिखाया इनका घर, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी।